अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, चैप्टर नंबर 9, नेम्ड बाय फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, आर्टिकल 9.1। स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री बुनियादी तौर पर 3 लफ्ज़ों का मजमूआ है। ट्राई विच मीन्स 3, गोनी विच मीन्स कॉर्नर्स, मैट्रन विच मीन्स मेजरमेंट। स्टूडेंट्स, इससे हमें पता चला कि ट्रिग्नोमीट्री बुनियादी तौर पर 3 कोनों वाली क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स की स्टडी का नाम है। अब 3 कोनों वाली क्लोज्ड ऑब्जेक्ट्स कौन सी होती हैं? स्टूडेंट्स, एज यू नो, दे आर ट्राइंगल्स। अब हम देखते हैं कि ट्राइंगल क्या होती है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि ट्राइंगल 3 साइड्स वाली क्लोज्ड फिगर को कहते हैं। इसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट्स हैं, 1, 2 एंड 3, और 3 ही कॉर्नर्स हैं। कॉर्नर मींस एंगल्स, थीटा, फाई एंड साई। स्टूडेंट्स, लाइन सेगमेंट्स आपको पता है, इनका कॉन्सेप्ट हमारे पास मौजूद है कि ये बेसिकली लेंथ को जाहिर करती हैं, और लेंथ की मेजरमेंट के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करते हैं वो है मीटर। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि एंगल्स क्या चीज़ें हैं। एंगल को पहले हम डिफाइन करेंगे और देखेंगे कि इसका एक्चुअल कॉन्सेप्ट क्या है। हम पहले इसकी डेफिनेशन करते हैं। टू रेज हैविंग कॉमन एंड पॉइंट्स आर सेट टू फॉर्म एन एंगल। स्टूडेंट्स, डायग्राम देखिए, यहां से रे स्टार्ट हो रही है, दूसरी रे भी इसका स्टार्टिंग पॉइंट यही है, तो हम कहते हैं कि इन दो रेज की मदद से ये एंगल बन गया है। अब एंगल के अंदर 3 चीजें होती हैं, उसका वर्टेक्स और दो रेज जो हैं रिस्पेक्टिवली वो आर्म्स ऑफ द एंगल कहलाती हैं। स्टूडेंट्स, सवाल ये पैदा होता है कि हम जब लेंथ को मेजर करते हैं तो हमें पता है कि हम दूरी या नज़दीकी का एहसास नाप रहे होते हैं कि कोई चीज़ हमसे कितनी दूर है या कोई चीज़ हमारे कितने पास है। इसी तरह जब हम मैस मेजर कर रहे होते हैं तो हम ये नाप रहे होते हैं कि कोई चीज़ कितना इनर्शिया रखती है, कम इनर्शिया रखती है या ज़्यादा इनर्शिया रखती है। सवाल ये है कि एंगल किस चीज़ को नापता है, क्या ऐसी फीलिंग है जिसे यूज़ करके हम जिसको नापने के लिए हम एंगल को यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर है रोटेशन। एक्चुअली एंगल जो है वो रोटेशन को नापता है। अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि रोटेशन 2 तरह की हो सकती है, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज। जब भी हम किसी एंगल को एंटी क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम कहेंगे कि हमारा एंगल पॉजिटिव है, और जब भी किसी एंगल को हम क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो हम कहेंगे हमारा एंगल नेगेटिव है। स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी चीज़ को नापने की बात करते हैं तो ऑब्वियसली हमें नंबर के अलावा उसका यूनिट रिक्वायर्ड होता है। तो एंगल के जनरली 2 यूनिट्स इस्तेमाल होते हैं, उनमें से पहला यूनिट है डिग्री और दूसरा यूनिट है रेडियंस। अब मैं बारी बारी उन दोनों को डिफाइन करूँगा। जब हम एंगल को डिग्री में नापते हैं तो हम कहते हैं कि हम मेजरमेंट्स के लिए सेक्साडेसिमल सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। हम डिफाइन करते हैं कि डिग्री क्या होती है। दी एंगल सबटेंडेड बाय थ्री
60th part of the circumference of the circle at the center of the circle is called 1 degree. स्टूडेंट्स आइए इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं. सपोज हमारे पास ये सर्कल है, और हम इस सर्कल के 360 इक्वल पार्ट्स कर देते हैं. उनमें से एक पार्ट आपको इस येलो लाइन की मदद से हाईलाइट किया जा रहा है. अब इस आर्क के दो पॉइंट्स एंड पॉइंट्स हम लेके सर्कल के सेंटर से मिला देते हैं. इन दो लाइन सेगमेंट्स के दरमियान जो एंगल बन रहा होगा वो 1 डिग्री कहलाएगा. मतलब ये हम पहले सर्कल लेंगे, उसके 360 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे, और उनमें से एक पार्ट के एंड पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ ज्वाइन करेंगे. तो ये जो दो लाइन सेगमेंट्स बन रहे होंगे इनके दरमियान एंगल 1 डिग्री कहलाएगा. स्टूडेंट्स आपको पता है कि मेजरमेंट के सिस्टम में हम छोटी यूनिट्स भी यूज़ करते हैं और बड़ी यूनिट्स भी यूज़ करते हैं. तो 1 डिग्री सेक्साडेसिमल सिस्टम का बड़ा यूनिट है. इसकी दो छोटी यूनिट्स भी होती हैं जिन्हें हम डिग्री और सेकंड्स कहते हैं. हम देखते हैं कि डिग्री मिनट्स और सेकंड्स में क्या रिलेशनशिप है. 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स. 1 minute is equal to 60 seconds. स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा सेक्साडेसिमल सिस्टम जो है वो कंप्लीट हो गया. इसका एक टॉपिक रहता है जो मैं आपको सर्कुलर सिस्टम के में से की डेफिनेशन के बाद बताऊंगा. सर्कुलर सिस्टम जब हम किसी एंगल को रेडियंस में नापते हैं तो हम कहते हैं कि हम एंगल की मेजरमेंट सर्कुलर सिस्टम में कर रहे हैं. अब हम डिफाइन करते हैं कि रेडियन क्या चीज होती है. द एंगल सबटेंडेड बाय an arc whose length is equal to the radius of the circle is called 1 radian. आइए इसको डायग्राम के जरिए एक्सप्लेन करते हैं. सपोज हमारे पास ये सर्कल है, हम इस सर्कल के ऊपर एक ऐसी आर्क लेते हैं जिसकी लेंथ सर्कल के रेडियस के बराबर हो. मतलब यहां से लेकर यहां तक जो लंबाई है वो सर्कल के रेडियस के बराबर है. ऑब्वियसली जब हम इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर के साथ अटैच करेंगे तो ये दो लाइन सेगमेंट्स बन जाएंगे और उनके दरमियान एक एंगल जनरेट हो जाएगा. अगर इस आर्क की लंबाई सर्कल के रेडियस के बराबर है तो इस एंगल को हम 1 रेडियन कहेंगे.